राम राम। मित्रों, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। दादा, ये जो भक्त आते थे महाराज जी के पास तो अपनी अपनी समस्याएं लेके आते थे, उनके जो अनन्य भक्त थे वो तो अनन्य भक्त जो आते थे वो तो आ गए, उनकी चलो अपना वैसे था, लेकिन जो नए नए भक्त जो आते थे और तो वो समस्याएं जो लेके आते थे उनका हल कैसे करते थे महाराज जी? देखिए महाराज, मैं पहले एक चीज कहूँगा कि जब विभीषण को रामचंद्र जी कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, वाह, जन्म कोटि अघ नाते ही सब ही, उसका कोटि जन्मों के जो अघ पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। वैसे महाराज जहाँ सामने वहाँ पहुँचे महाराज के सामने आप, आपके आधे कष्ट तो ऐसे खत्म हो गए। वाह, जहाँ महाराज ने आप सन्मुख हुए तो आप शरणांगत हैं, आप द्वारकाधीश के सामने और अयोध्यापति साहब राम के सामने खड़े हैं आप, तो समस्या होगा तो अपने आप खत्म हो जाती थी। वैसे महाराज इतनी गौर से सुनते थे, इतनी गौर से सुनते थे, फिर कहते थे हम हनुमान जी से कह देंगे। अच्छा, ये जवाब दे देते हनुमान जी से कह देंगे या ऐसा कर दो किसी से कह दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मेरे दोस्त थे अखिलेश पांडे जी, उनके पिताजी हरिदास पांडे जी, उनकी वाइफ पगला गई। अच्छा, और पगला गई तो उसके बाद वो महाराज जी के पास गए और महाराज ने कहा कि ऐसे ऐसे चार धामों के दर्शन करा दे। वो अभी तक ठीक है, अब शायद उनका शरीर हो गया है, वो ठीक हो गई। वैसे मेरे फुफिया ससुर थे, उनका नाम था हीरा बल्लभ त्रिपाठी, एमपी थे। अच्छा, उनके जितने लड़के थे वो पागल हो जाते थे। अरे हाँ, पागल हो जाते थे। दो बच्चे उनके जब रांची पहुंच गए तो हरिराम जोशी जी हुआ करते थे महाराज के दूसरे भक्त, अनन्य भक्त। वो उन्होंने कहा यार, मैं एक मेरे उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा मेरे एक ग्रुप वो है, भगवान है, मैं एक साधु है और वहाँ वो तुझे दर्शन ले चलता हूँ और तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मैंने स्वयं हीरा बल्लभ त्रिपाठी जी के मुंह से सुना है, मेरे फूफिया ससुर थे वो। अच्छा, कनखर हरिद्वार में रहते थे जी। तो वो जब वहाँ गए तो उन्होंने महाराज ने कहा थोड़ी सी देर हो गई लेकिन ये उधर नहीं जाएगा, इस पार ही रहेगा, इस तरफ रहेगा, उधर पार नहीं जाएगा, मैंने पूर्ण पागल नहीं होगा, पूर्ण पागल नहीं होगा। उसके बाद उनका नाम था अशोक त्रिपाठी, उन्होंने इंटर किया, फिर शायद कुछ ओवरसीरिंग मैकेनिकल 3 साल का वो दिया, इम्तहान दिया, फिर BHEL ज्वाइन किया, फिर उन्होंने 3 पुत्रियां पैदा करी, तीनों का ब्याह हो गया। अरे वाह, तो वो तो जन्म जन्म का महाराज ने उनको वरदान दे दिया, मतलब फिर बिल्कुल एकदम सामान्य उनकी संतान सामान्य हो गए। थोड़ा मूडी हो जाते थे कभी कभी, मेलनकोलिया कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं, अच्छे दोस्त थे मेरे, अब शरीर का हाल में हुआ है 1 साल पहले जी, अभी वार्षिक हुई उनके हाल में, तो जन्म जन्म का फिर महाराज के साथ ठीक है। महाराज जी के यहाँ दादा, दादा की माँ, मौसी माँ, ये शब्द आते हैं, ये रिश्ते आते हैं महाराज जी की कथाओं में, तो जरा इनको आप स्पष्ट करें कि दादा कौन है, दादा की माँ कौन, मौसी माँ कौन? दादा है श्री पूज्य सुधीर मुखर्जी, स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी वाइफ थी कमला मुखर्जी जी, उनकी दो ये एक बुआ थी और एक मौसी थी जी, दोनों उनके साथ रहती थी। अच्छा, तो उनको मासी माँ, मौसी कहते हैं, मासी माँ बंगाली में, और पिसी माँ मैंने बुआ हुआ, बुआ। और दोनों जो है उनके साथ रहती थी, सद्य विधवा थी बेचारी, विधवा थी बेचारी। अच्छा, लेकिन इतना प्रेमी समझ लीजिए कि भक्तों का तो ताशा लगा रहता था खाने के लिए, उनके दादा के प्रसाद पाने के लिए चर्च लेने लावा। हाँ जी, वो तो रात के 10:30-11 बजे बंगाली धोती जैसे पहनी जाती है, यहाँ पे एक में चाबी लगी रहती थी। अच्छा, सब खिला के 11:30-11 बजे सोने जाती थी वो। अरे वाह, और उनके दादा जो हुए वो सुधीर मुखर्जी, ये पहले कलकत्ता में, वो कहते हैं कि मुझे महाराज ने 20 साल पहले या 15 साल पहले उन्होंने एक उनको बहुत पहले वो दिया था, वरदान दिया था और कुछ मंत्र दिया था दादा को जी। महाराज दादा भूल गए, महाराज जब उनको मिले तो महाराज ने ऐसे ऐसे उनको मंत्र की बात करी दादा से कि ऐसे ऐसे तुझे मंत्र मिला था। बल्कि वह महाराज जी पहले इलाहाबाद में एक जगह है जमुना बल्लभ पंत जी, उनके घर में रहते थे कर्णनगंज मोहल्ले में एक गली में। अच्छा अच्छा, दादा बहुत गरीबी में थे,
मासी पिसी माँ थी, पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। एक दिन हाँ वो कहीं दर्शन कर रहे जमुना ब्रह्म जी को गए और हाथ पकड़ के दादा के बोले चाहे हम तेरे घर रहेंगे आपसे अपने आप। हाँ जी उनका हाथ पकड़ा चले गए। अब उनके घर वाले घर वाले की इस घर में कैसे रखेंगे महाराज को, तू अपना बना ले दादा। आज वो जो फोर्थ चर्च लेन है जो दादा ने बनाया मकान बना लाल रंग का है वो एक पुण्य स्थली है। वहाँ महाराज जी खूब रहे हैं, खूब रहे हैं। और महाराज ने उस टाइम में महाराज क्या करते थे, महीने में दो हफ्ते दो तीन हफ्ते में आ जाते थे जी, छः हफ्ते में आ जाते थे जी। और फिर भक्तों का सिलसिला लगा रहता था आने जाने का, कभी लखनऊ से आए महाराज, कभी इलाहाबाद से आए, कार से आते, लखनऊ से आए, कभी कानपुर से आए। अच्छा सिलसिला लगा रहता था महाराज के साथ। तो महाराज जब वहाँ आते थे जाड़ों में जल्दी आने लगते थे, क्योंकि भक्त लोग पहाड़ के भक्त लोग माइयाँ हमारी परम पूज्य सिद्धि माँ अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ दर्शन करने आती थी, फिर महाराज का आना जल्दी हो जाता था। 15 दिन में एक बार लौट के आ गए, आनंद मंगल किया, सारे सबको आनंद दिया, लोगों को समाधियाँ दी, लोगों को ध्यान समाधि दी। विचित्र कर्तव्य होते थे महाराज तो, रोज नई नई लीला होती थी, पता ही नहीं चलता था कि प्रभु अब क्या कर रहे। आपने ध्यान समाधि की बात की और महाराज जी ध्यान समाधि लगवाते थे। हम कैंची धाम में मिले थे प्रकाश चंद्र जोशी के पुत्र से, जो महाराज जी के प्रकाश चंद्र जोशी आईएएस अफसर कमिश्नर रहे वहाँ पर, और अन्य अन्य भक्तों में वो रहे हैं। तो ये ध्यान समाधि की बात भी मैं आपसे जानना चाहूँगा लेकिन अगले अंक में। तो दर्शकों मित्रों इंतजार करिए ध्यान समाधि हमारे रब्बू दादा के मुखारविंद से। दादा राम राम। राम राम।